हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम पोर सीजीएस एफकेट एंड सीएपीएफ। तो गाइस, आप सब कैसे हैं? होप सो आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, शेयर करना है इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा। तो भाई, चीजें कैसी चल रही हैं आप लोगों की? पढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ कैसी चल रही हैं बताओ। कृष्ण कुमार खुर्शीद गुरुदेव, तो भाई मैंने कहा था इस सेशन को जब तक आप लाइक नहीं करोगे जब तक हम आएंगे नहीं, लेकिन क्या करें भाई, तुम टीचर की बात मानते ही नहीं हो। दिक्कत ही यही है सबसे बड़ी बात, कि तुमने टीचर की बात ही नहीं माननी है। अब क्यों नहीं माननी है ये मेरे को भी नहीं पता भाई। तुम मुझे ये बताओ, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? मेरी तो बैंड बजी हुई है। किस खुशी में बैंड बजी हुई है भाई तुम्हारी? अरे बेटा, नोटिफिकेशन नहीं आता है तो क्यों नोटिफिकेशन की टेंशन लेनी है? जब तुम्हें पता है डेली मेरी जो क्लास का टाइमिंग होता है वो 8 बजे होता है, तो डू यू थिंक कि तुम्हें नोटिफिकेशन की टेंशन लेने की जरूरत है? बताओ मुझे, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? हाँ बच्चों बोलो, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें नोटिफिकेशन की जरूरत है। विजेंद्र की हालचाल, स्माइलिंग स्माइलिंग का बड़ा हालचाल पूछा जा रहा है। मैं कभी गलत नहीं बोलती, चलो अच्छी बात है। तो मैं इतनी तो बात का यकीन है अपनी मैडम का कि मैं कभी गलत नहीं बोलती। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? परफेक्ट चल रही है। चलो गाइस, एक तो आपको पता है कि आज इंडिया आपका क्या है, कोस्ट गार्ड डे है, सेलिब्रेट करें 46 डे। यूज करें इस कूपन कोड को ICG46। ये ऑफर वैलिड होगा आपका 24 घंटे के लिए, सिर्फ ये ऑफर आपको वैलिड होगा 24 घंटे के लिए। और जितने भी आपके डिफेंस के एग्जाम है उसके लिए ये ऑफर निकाला गया है ICG46। यू विल गेट 46% डिस्काउंट। चलिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर बताइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? थोड़ा सा मैंने सोचा बच्चे आ जाएंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि बच्चे आने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ। बताइए,
चलिए बच्चे, यदि हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, रन क्या करता है, रन के बाद क्या हो जाता है, रन कैसे करते हो, रेस से, वन रन्स आर रेस, तो वैसे ही स्टडी किससे की जाती है, आपकी बुक से की जाती है बेटा, बी ऑप्शन क्यों आएगा, लेक्चर स्टडी क्यों आएगा आपका, जैसे रन कब करते हो, जब आप रेस करते हो, तो स्टडी कब किससे करते हो, आप बुक से करते हो, तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, बुक को स्टडी करते हैं, वेरी गुड गुरुदेव, तो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन। ट्रेन किस पे चलती है, आपकी ट्रैक पे चलती है, यदि ट्रेन आपकी ट्रैक पे चलती है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जैसे ट्रेन है आपकी ट्रैक पे चलती है, तो वैसे ही बुलेट से जो गन से जो बुलेट निकलती है वो बैरल के थ्रू क्या निकलती है, आपकी बुलेट निकलती है गन से, तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन। मैम आप छोरी हो गई, छोरी छोरी क्या होता है, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इस क्लासेस के क्वेश्चन आएगा आएगा। चलो विक आपका कैंडल से रिलेट करता है, तो ए बी सी या डी में से आपका राइट आंसर क्या बनेगा, विक यदि आपका कैंडल से रिलेट वो डिजाइन होता है, विक क्या होता है आपका बाती, कैंडल में क्या होती है, जो बाती जलाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम बाती कहते हैं, तो वैसे ही आपका लेड जो है, जो पेंसिल है वो बिना लेड के नहीं जलती, जैसे कैंडल आपके बिना विक के नहीं जलती, वैसे ही पेंसिल आपके बिना लेड के नहीं जलती है, तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, सिप इज इक्वल टू में गल्प, सिप जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे मैं पानी पी रही हूं तो इसे हम क्या कहते हैं, घुट घुट करके पीते हैं, वैसे ही आपको बताना है ए बी सी या डी में से राइट आंसर क्या होगा। सिप मतलब क्या होता है, देखो सिप करना होता है ऐसे, जैसे मैं पी रही हूं अभी ऐसे, ठीक है, गल्प मतलब क्या होता है, ऐसे पीना, मतलब स्पीड में पीना, तो ये क्या है आपकी हायर इंटेंसिटी को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, हायर इंटेंसिटी को दर्शाता है, टच मतलब होता है हल्के से टच कर दिया, पुश मतलब होता है धक्का दे देना, तो आपका जो पुश बनेगा वो हायर इंटेंसिटी को दर्शाएगा एज कंपेयर टच से, तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ग्लॉसरी इज रिलेटेड टू वर्ड, बताओ ग्लॉसरी जैसे आपका वर्ड से रिलेट करता है, तो आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट से बच्चे कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्स्ट कंटेन अ कलेक्शन ऑफ, ग्लॉसरी इज कंटेन अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, तो ग्लॉसरी जो है वो क्या करता है, काइंड ऑफ डिक्शनरी, ये किसके किसको कंटेन करके रखता है, वर्ड्स को कंटेन करके रखता है, वैसे ही जो एटलस होता है वो मैप के कलेक्शन को क्या करके रखता है, कंटेन करके रखता है, तो बच्चों खुर्शीद आलम, लक्ष्य कृष्णा कुमार, प्रियो बात्रा, स्माइलिंग, तो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सी इज रिलेटेड टू शोर, ए बी सी या डी में से आपका राइट आंसर क्या बनेगा, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी मतलब क्या होता है, समुद्र, सी मतलब क्या होता है आपका, समुद्र होता है या नहीं होता है, शोर मतलब क्या होता है, किनारा, तो सी का समुद्र का क्या होता है, किनारा होता है, समुद्र का क्या होता है आपका, किनारा होता है, वैसे ही रोड पे क्या होता है आपका, फुटपाथ होता है, रोड का क्या होता है, फुटपाथ होता है, तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सर्कल इज रिलेटेड टू डायमीटर, सर्कल का क्या होता है बेटा, डायमीटर होता है, तो रेक्टेंगल का क्या होता है, डायगनल होता है, तो रेक्टेंगल इज इक्वल टू में डायगनल, तो राइट आंसर इज द ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेयर, स्पेयर होता है आपका 3D फिगर होती है, स्पेयर क्या होता है आपकी 3D फिगर होती है, और बॉल क्या होती है आपकी 2D फिगर होती है, बॉल आपकी 2D फिगर होती है, स्पेयर आपकी 3D फिगर होती है, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। तो वैसे ही आपका जो डाइस होता है वो आपकी 2D फिगर होती है, लेकिन क्यूब जो होता है वो आपकी 3D फिगर होती है, तो राइट आंसर इज द
बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन। यदि यहाँ पे कोण होता है, यहाँ पे ट्रायंगल होता है, तो ये भी राइट आंसर बनता। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन। डॉन इज रिलेटेड टू मॉर्निंग। लक्ष्य, इसका मतलब क्या होता है? प्रातः। इसका मतलब क्या होता है? प्रातः। जब प्रातः होती है तो क्या हो जाती है? सुबह। मॉर्निंग हो जाती है भोर। भोर होता है आपका, भोर के बाद क्या होता है आपका? मॉर्निंग हो जाती है, सवेरा हो जाता है। तो वैसे ही आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या आएगा? ऑटम के बाद क्या आता है आपका? विंटर आता है। क्या आता है बेटा? ऑटम के बाद आपका विंटर आता है। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ आर अपोजिट, लेकिन जैसे ही आपकी प्रातः होती है 5 बज जाता है और जैसे ही अंधेरा छट जाता है, 5 बजने को जहां पे अंधेरा होता है उसे क्या बोला जाता है? डॉन बोला जाता है। मॉर्निंग कब होता है? जब आपका व्हाइट व्हाइट दिखने लग जाता है, रोशनी दिखने लग जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथों में क्या पहना जाता है? ग्लव्स पहने जाते हैं। पैरों में क्या पहने जाते हैं? शूज पहने जाते हैं। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। नाइफ से क्या करते हैं? चॉप करते हैं। नाइफ से क्या करते हैं? चॉप करते हैं। नाइफ जो होता है वो होता है आपका चॉपर होता है। नाइफ एंड चॉपर जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। चॉप करना अलग होता है, चॉपर अलग होता है। नाइफ से भी आप किसी ना किसी चीज को कट करते हो, चॉपर से भी आप किसी ना किसी चीज को क्या करते हो? कट करते हो। लेकिन क्विल्ट एंड ब्लैंकेट भी बिल्कुल सेम होता है। क्विल्ट भी आप क्या करते हो? ठंड में ओढ़ने के काम आते हैं, प्रोटेक्शन करता है कोल्ड से। वैसे ही जैसे नाइफ एंड चॉपर दोनों के दोनों यूज होते हैं कटिंग के लिए। तो ये आपका प्रोटेक्शन किससे करता है? फॉर कोल्ड, फॉर द कोल्ड, प्रोटेक्शन फॉर द कोल्ड, प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड। तो राइट आंसर इज द राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बर्ड्स से रिलेटेड टू एव्स। जो एव्स होती है, ए वी ई एस जो होती है बेटा, इसे क्या कहते हैं? आपके पक्षी होता है। ये क्या होता है? आपकी पक्षी होती है, सुंदर सुंदर सी पक्षी। ठीक है, तो ये पक्षी क्या होती है आपकी, किस कैटेगरी में आती है? बर्ड्स की कैटेगरी में आती है, बर्ड्स की कैटेगरी में आती है। तो उसी हिसाब से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो बर्ड्स है, बर्ड्स इज अ पक्षी, क्या हो रहा है ये? अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने गलत बता दिया बेटा, थोड़ा सा उल्टा बता दिया। देखिए, एज जो होता है वो आपका होता है बर्ड्स, पक्षी होती है। तो कहीं ना कहीं बर्ड्स भी और आपका एज भी मतलब क्या होता है? आपका पक्षी होता है। एव्स का मतलब भी क्या होता है? आपका पक्षी होता है। तो ये जो है वो आपकी क्लास डिनोट करती है। जैसे मैन की क्लास क्या होती है? होमोस्पेन, मनुष्य। मनुष्य प्रजाति का होता है कौन? इंसान जो होता है वो आपका मनुष्य प्रजाति का होता है। बेटा बी ऑप्शन कैसे बन जाएगा? वेल आपकी फिश, फिश वेल है। अरे सेकेंड डिनोट द क्लास टू विच द फर्स्ट बिलोंग। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस इज रिलेटेड टू ब्रे, फ्लाई से रिलेटेड टू स्क्वीक। ये क्या गया? अच्छा, एस की जो आवाज होती है वो क्या होती है? ब्रे होती है। एस जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो क्या करता है? ब्रे करता है। तो उसी हिसाब से जो भेड़ है, भेड़ या बकरी, गोट, आपकी जो साउंड प्रोड्यूस करती है उसे क्या कहा जाता है? ब्लीट कहा जाता है। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बर्ड यदि विंग से रिलेट करते हैं, बर्ड को उड़ने के लिए क्या चाहिए होते हैं? व्हील्स चाहिए होते हैं बच्चों। तो वैसे ही कार को चलने के लिए क्या चाहिए होता है? व्हील चाहिए होते हैं। कार को चलने के लिए क्या जरूरत होती है? मूवमेंट करने के लिए व्हील की जरूरत होती है। यदि व्हील की जरूरत होती है तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। होप इज रिलेटेड टू एस्पायर। होप और एस्पायर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। एस्पायर मतलब भी क्या होता है आपका? आशा। क्या होता है बेटा? आशा। तो होप एंड एस्पायर जो होता है दोनों का मतलब क्या होता है? आशा रखना, किसी से आकांक्षा रखना। तो वैसे ही ये दोनों क्या है? एक दूसरे के सिनोनियम है। क्या है बेटा? एक दूसरे के सिनोनियम है। यदि ये एक दूसरे के सिनोनियम है तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? फिब मतलब क्या होता है? फिब मतलब होता है झूठ, मिथ्या, छोटा झूठ। फिब और लाई क्या होता है? एक दूसरे के जस्ट सिनोनियम है। तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन। क्लियर है गाइस? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। फेक मतलब होता है जो फेक होता है। फेक को क्या बोला जाएगा हिंदी में? ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण। फेक का मतलब होता है झूठा। तो ये एक दूसरे के सिनोनियम नहीं है। फिल्म अलग होता है, फ्लाम अलग होता है। लव एलिवेट मतलब क्या होता है? एलिवेटर, जैसे किसी चीज को ऊपर उठा के लेके जाना। ब्रूक का मतलब होता है छोटी नदी, और रिवर होता है रिवर।
नदी, तो सेकंड इज द बिगर फ्रॉम द फर्स्ट, रिवर इज द बिगर फ्रॉम ब्रूक, तो रिवर जो है वो क्या है बिगर है किससे, ब्रूक से क्या है बिगर है, तो वैसे ही हाईवे जो है वो क्या है बड़ा है किससे पाथ से, तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ट्री इज रिलेटेड टू ब्रांचेस, जैसे ट्री की क्या होती है शाखाएं होती है ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस आर स्प्रेड पार्ट्स ऑफ अ ट्री, तो वैसे ही आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का रिवर की क्या होती है, रिवर की वैसे ही होती है आपकी ट्रिब्यूटरीज, क्या होती है रिवर की आपकी क्या होती है ट्रिब्यूटरीज आर स्प्रेड पार्ट्स ऑफ रिवर, तो राइट आंसर इज द ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हो, कारपेंटर बॉयज यूपीएससी, कारपेंटर क्या है, कारपेंटर ही है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग लक्ष्य मैम, गुरु को कार खरीद लो, दो कार नहीं है उस पे, मेरे को कोई कार खरीद के दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किचन इज रिलेटेड टू बेडरूम, जैसे किचन जो है वो आपका बेडरूम से रिलेटेड, ये रहेगा बेटा 18 क्वेश्चन। रिलेटेड टू प्रेज, हिम इज द सॉन्ग ऑफ प्रेज ड्यूरिंग द रिलीजियस इवेंट, तो वैसे ही आपका जो डिश है वो आपका क्या है एक टाइप का सॉन्ग है, ये क्या होता है आपका सॉन्ग है जब आप प्रेस करते हो या किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हो रिलीजियस इवेंट पे क्या करते हो आप उसको गाते हो, तो वैसे ही दिल जो होता है वो आपका दुख भरा सॉन्ग होता है, जैसे किसी के दुख में गाया हुआ सॉन्ग है, इज अमंग द ग्रीव सॉन्ग, या आपके फ्यूनरल में गाया जाने वाला सॉन्ग, फ्यूनरल में बोलने वाला गाने वाला सॉन्ग है, तो राइट आंसर इज द ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अरे बेटा गुड इवनिंग करते करते थक जाएगा, रुक जा कोई दिक्कत नहीं, गुड इवनिंग सुन ली मैंने, ठीक है। देखिए किचन एंड बेडरूम बोथ आर द पार्ट्स ऑफ हाउस, दोनों के दोनों क्या है बेटा हाउस के पार्ट है, वैसे ही बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों के दोनों बायोलॉजी के पार्ट है, किसके पार्ट है बायोलॉजी का पार्ट है, तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। फूड, जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हो फूड खाते हो, जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हो फूड खाते हो, तो जब आप वियरी होते हो तो आप क्या करते हो थक जाते हो, वियरी मतलब क्या होता है थकान, जब आप थकान महसूस करते हो तो आप क्या करते हो रेस्ट करते हो, तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। हॉस्पिटल में कौन होता है डॉक्टर होता है, तो भाई लॉयर कहाँ पे होता है कोर्ट में लॉयर होता है ना कि लॉयर कोर्ट में होगा, ठीक है तो ये आपका नहीं बनेगा, तो जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है वैसे ही स्कूल में कौन होता है टीचर होता है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ब्लिस्टर इज रिलेटेड टू स्किन, जैसे ब्लिस्टर क्या होती है आपकी एक टाइप की क्या होती है डिजीज होता है इन्फेक्शन होता है, तो ब्लिस्टर जो होता है वो काइंड ऑफ एक इन्फेक्शन होता है जो कि स्किन का होता है, ब्लिस्टर हो जाता है छाला हो जाना, ठीक है आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ, ब्लिस्टर इज एन इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। तो स्टाई इज इन इन्फेक्शन, तो स्टाई भी क्या होता है बेटा आपका इन्फेक्शन होता है जो आपकी आंखों में होता है, किस में होता है आंखों में होता है, आंख में कहते हैं ना जब वो गोली गोली सी बिल्ली बन जाती है तो उसे क्या कहते हैं स्टाई, जो होता है वो क्या होता है आपका इन्फेक्शन होता है जो कि आंखों में होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है आपको घेंगा रोग हो जाता है गोइटर रोग हो जाता है, वैसे ही इंसुलिन से क्या होता है आपका डायबिटीज हो जाता है, तो राइट आंसर इज द डायबिटीज, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इंसुलिन की कमी से आपका डायबिटीज का रोग हो जाता है, तो राइट आंसर इज द ए ऑप्शन। सेलर इज रिलेटेड टू पायरेट, सेलर इज रिलेटेड टू पायरेट, बताइए। देखिए यदि किसी भी शिप पर सेलर नहीं होंगे तो उस पर कौन होंगे, डाकू आ जाएंगे चोरी करके ले जाएंगे, होगा या नहीं होगा, होगा ही वाली बात बताओ, होगी। तो वैसे ही प्लांट इज रिलेटेड टू फंगस, जैसे सेलर, सेलर जो है आपका बेटा यदि हम बात करते हैं कि सेलर किसी चीज को बचा के रखता है तो पायरेट क्या कर देते हैं चोरी करके ले जाते हैं, तो प्लांट भी क्या लग जाता है फंगस लग जाता है। अरे पुलिस एंड रोबर्स, आंसर पुलिस एंड रोबर्स, पुलिस एंड रोबर्स बेटा देखो पुलिस एंड रोबर्स के बारे में बात करूं तो बिल्कुल सही है कि सेलर जो है वो आपका क्या है, सेलर जो है वो प्रोटेक्ट करता है यूजफुल होता है, और पायरेट जो होता है वो क्या होता है हार्मफुल होता है, कह सकते हो बेटा। मेजर एंड सिपाही क्यों बनेगा, सिपाही क्यों बनेगा बेटा, सिपाही है सिपाही इज अ सिपाही बेटा, मेजर एंड सिपाही कोई ना बनेगा, भारतीय सिपाही जिसे बोला जाता है, मेजर और सिपाही तो बिल्कुल नहीं बनेगा, तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर ए ऑप्शन बन जाएगा। मैम आज बहुत, मैं बताऊं भी कनपटी पे दूं, मैडम बहुत सुंदर लग रही है, मोटी बुद्धि पढ़ने आया क्या करने आया है।
तुम बच्चों मुझे ये बताओ, कल मैंने आप लोगों से कहा था कि सेशन को लाइक करना, किसी ने करा लाइक? है, प्लांट भी आपका यूजफुल होता है, फंगस क्या होता है, आपका हार्मफुल होता है, आप ये लिख सकते हैं। लेकिन इसका दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही बन रहा है, ए भी बन रहा है, सी भी बन रहा है, दोनों जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है आपका ए और सी। ठीक है, ये तो दुनिया उल्टी घूम गई। जेन्युइन इज रिलेटेड टू ऑथेंटिक, जेन्युइन एंड ऑथेंटिक दो जो है वो दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनियम है। तो वैसे ही मिराज एंड इल्यूजन जो है वो क्या है, एक दूसरे के सिनोनियम है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चौक इज रिलेटेड टू ब्लैक बोर्ड, जैसे चौक जो है वो आपका ब्लैक बोर्ड पे लिखने के काम आता है, वैसे ही आपका जो इंक है, इंक से क्या किस पे लिखते हो, पेपर पे लिखते हो। तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। दांतों से क्या करते हो, चबाते हो, चुई करते हो, नम 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 करते हो। अरे शादी में नहीं बुलाया, शादी में बुला लेंगे, आज पहले आंसर दे लो। ठीक है, तो वैसे ही माइंड से क्या करते हो, माइंड का काम क्या होता है, टीथ का कार्य क्या होता है, चुई करना, नाम नाम। माइंड का काम क्या होता है, सोचना। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एडिटर इज रिलेटेड टू न्यूज़पेपर, देखिए जो फर्स्ट राइट एंड एडिट ऑल द आर्टिकल ऑफ द सेकेंड। एडिटर जो क्या करता है आपका, बताओ, पहले लिखता है फिर एडिट करता है जितने भी आपके न्यूज़पेपर है, आर्टिकल्स हैं। तो वैसे ही आपका जो ऑथर है वो लिखता है, एडिट करता है किसको, नोवल को। तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डव इज रिलेटेड टू फीस, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताओ, देखो डव इज रिलेटेड टू पीस, फर्स्ट इज द सिंबल ऑफ द सेकंड। डव जो है वो आपका क्या है, शांति का प्रतीक है। वैसे ही आपका जो पल जो है वो किसका प्रतीक है, प्योरिटी का प्रतीक है। नाइफ आपका कट का प्रतीक है, कनपटी पे दूंगी खींच के, है रे। आपने डव शैम्पू देखा है, डव शैम्पू पे जो आपका पक्षी बना होता है वो डव होता है आपका, उसको क्या कहते हैं, शांति का प्रतीक कहते हैं। डव इज अ कबूतर, कबूतर जा 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 कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया, कबूतर जा जा जा। चलो, डब जो है वो आपका क्या है, पीस का क्या है आपका सिंबल है। तो वैसे ही पर्ल जो है वो आपका किसका सिंबल है, प्योरिटी का सिंबल है। तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन। पल्प से क्या बनता है आपका, पेपर बनता है। तो वैसे ही आपका यान से क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। कैलेंडर जैसे आपका डेट से रिलेट करता है, कैलेंडर में क्या होती है बेटा, डेट्स होती हैं। तो वैसे ही डिक्शनरी में क्या होता है आपके, वर्ड्स होते हैं। डिक्शनरी में क्या होते हैं आपके, वर्ड्स होते हैं। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन। किसी को कोई डाउट तो नहीं, अभी तक 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट, बी इज रिलेटेड टू हाइव, बी मधुमक्खी का क्या होता है आपका, छत्ता होता है। ड्वेलिंग प्लेस क्या होता है, छत्ता, मतलब मधुमक्खी का ड्वेलिंग प्लेस क्या होता है, छत्ता होता है। वैसे ही आपको यह बताना है, काउ को जहां पे रखा जाता है उसे क्या बोला जाता है, गौशाला को बैलरी बोला जाता है। तो राइट आंसर इज आ सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्टेसी इज रिलेटेड टू प्लेजर, इक्टेसी का मतलब क्या होता है, परमानंद। फर्स्ट इज मोर इंटेंसिटी देन प्लेजर, जो फर्स्ट होती है वो क्या है, मोर इंटेंसिटी, किससे, प्लेजर से। प्लेजर होती है खुशी, एक तरह से होती है मतलब परमानंद, ज्यादा खुशी, है ना। तो वैसे ही आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन। रेज मतलब क्या होता है, तेज बोलना, स्पीक मतलब होता है नॉर्मली बोलना। तो रेज इज द हायर इंटेंसिटी देन स्पीक। तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ब्रांच इज रिलेटेड टू ट्री, बेटा बी ऑप्शन कैसे दे दोगे बाबा, गलत आंसर मत दे करो। मैम मैं लेट हो गया तो मुर्गा बना दूं तेरे को मैं आज, है
ब्रांच किसका पार्ट है? ट्री का पार्ट है। ब्रांच जो शाखा है वो बेटा क्या है, किसका पार्ट होता है? ट्री का पार्ट होता है। तो वैसे ही आपका जो बनेगा क्रेस्ट बनेगा, जो चोटी बनेगी वो किसका पार्ट होता है आपकी, बताओ। ब्रांच जैसे आपका ट्री का पार्ट होता है, वैसे क्रेस्ट जो होता है वो आपका वेव का पार्ट होता है। ये कहोगे आप, मैम यू आर इन रेज। हाँ, मैं राइट आंसर इज ए ऑप्शन। इंजरी इज रिलेटेड टू पेन। जैसे इंजरी जब लग जाती है तो क्या होता है बेटा, पेन होता है। जब बिजली कड़कती है तो क्या होता है, लाइटनिंग होती है। तो राइट आंसर इज अ सी ऑप्शन, थंडर इज रिलेटेड टू लाइटनिंग। मैड इज रिलेटेड टू इंसान। मैड मतलब क्या होता है, पागल। इंसान मतलब क्या होता है, मासूम, विक्षिप्त, पागल। मतलब आप पागल भी कह सकते हैं, इंसान मतलब क्या होता है, आपका पागल भी कहा जा सकता है। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों का क्या है, वर्ड मीनिंग जो है वो बिल्कुल सेम है, सिनोनियम है। यदि एक दूसरे के ये सिनोनियम है, स्लिम और थिन जो होता है वो आपका क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। बताओ, थिन मतलब भी पतला होता है, स्लिम मतलब भी पतला होता है। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर। प्लेंटिव इज रिलेटेड टू डिफेंडेंट। प्लेंटिव इज रिलेटेड टू डिफेंडेंट, बताओ। अयो प्लेंटिव कौन होता है बेटा, जो इंजर्ड होता है, ठीक है, जो इंजर्ड होता है। मतलब प्लेंटिव जैसे मान लीजिए कि दो आदमी हैं, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया तो उसने क्या करा, दूसरे आदमी के ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया, ठीक है, केस कर दिया। तो जो इंजर्ड हुआ है उसे कहते हैं प्लेंटिव। डिफेंडेंट कौन होता है आपका, अक्यूज्ड। डिफेंडेंट जो करता है, अक्यूज्ड इज द डिफेंडेंट। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आईज इज रिलेटेड टू टीयर्स, बताओ। आंखों से क्या आते हैं, आंसू आते हैं। आंसू आंखों से क्या होते हैं, आंसू आते हैं। ज्वालामुखी से क्या होता है, लावा आता है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। जब किसी के मन में लालच हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, भ्रष्टाचार की दुनिया में चला जाता है। जब किसी से गुडविल अच्छी हो जाती है तो उसकी से क्या हो जाती है, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती है। करप्शन है तो ग्रीडी है, लालच होगा तो करप्शन होगा, गुडविल अच्छी होगी तो फ्रेंडशिप होगी। तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। पॉल्यूट्री इन द रियर्ड अप फॉर्म। तो वैसे ही आपको बताना है ए बी सी या डी में से राइट आंसर क्या बनेगा। जैसे पॉल्यूट्री जो होता है वो आपका फार्म में होता है, तो रबर जो आपकी ग्रो होती है वो किस में होती है, एस्टेट में होती है। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। मुर्गी पालन आपका किस में होता है, फार्म में होता है। रबर कहाँ पे ग्रो होती है, एस्टेट में होती है। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। लिकर इज रिलेटेड टू इंटोक्सिकेशन, ठीक है। जब आपको इंटॉक्सिकेशन हो जाता है, इंटॉक्सिकेशन हो जाता है तो लिकर से होता है आपको इंटॉक्सिकेशन हो जाता है। जब आप ज्यादा शराब पी लेते हो तो नशा चढ़ता है, नशा ये प्यार का नशा है। चलो, लिकर से क्या होता है बेटा, नशा चढ़ जाता है, अलग ही सुरूर हो जाता है। तो इसका मतलब मेडिसिन से क्या होता है, मेडिसिन क्या करती है, क्योर करती है। मेडिसिन क्या करती है, क्योर करती है, सही करती है। तो राइट आंसर इज अ बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। पुअर इज रिलेटेड टू मनी। पुअर इज रिलेटेड टू मनी। किसी को पुअर को पैसा दे दो वो अमीर हो जाएगा, तो किसी को वीक इंसान है उसे स्ट्रेंथ दे दो। पुअर एंड मनी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर कह सकते हैं। तो वीक एंड स्ट्रेंथ जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। पुअर मनी नहीं है, अ लैक ऑफ मनी इज कॉल्ड अ पुअर, अ लैक ऑफ स्ट्रेंथ इज कॉल्ड अ वीक। सो राइट आंसर इज अ डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाए जाते हैं बच्चे, सिग्नल लगाए जाते हैं। वैसे ही रिवर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाया जाता है, डैम लगाया जाता है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ, हैंगओवर कहना चाहती हूँ मैं, हैंगओवर पे अटके पड़े हो तुम उसी क्वेश्चन पे है, मैं 44 क्वेश्चन पे आ गई। रिलैक्स इज रिलेटेड टू वर्क, जब आप रिलैक्स करते हो तो क्या करते हो, जब आप वर्क करते हो तो उसके बाद रिलैक्स करते हो बहुत सारा, है ना। तो वैसे ही जब आप स्टेल, मतलब वर्क एंड रिलैक्स बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, मतलब काइंड ऑफ कि आप काम कर रहे हो, काम करो फिर आपने आराम कर लिया, तो वैसे ही स्टेल मतलब क्या होता है, बासी। तो स्टेल एंड फ्रेश बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, सो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आंचल तोमर, आज की क्लास में कैसे आना हो गया भाई मेरी। ज्यूस इज रिलेटेड टू सिनेगोग एंड ए बी सी या डी में से आपका राइट आंसर क्या होगा। जो ज्यूस होते हैं वो पूजा करते हैं किसकी, सेकंड वन की। तो वैसे ही आपका बुद्धिस्ट जो होते हैं वो किसकी क्या करते हैं बेटा, बुद्धिस्ट वर्शिप इन अ, जैसे ज्यूस जो है आपकी पूजा करते हैं, वर्शिप इन अ सेकंड वन, बुद्धिस्ट इज पूजा पाठ को इज वर्शिप इन द पगोडा। तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लैंड इज रिलेटेड टू एंजाइम, ग्लैंड इज फर्स्ट प्रोड्यूस द सेकेंड, ग्लैंड प्रोड्यूस द एंजाइम। तो आपको ये बताना है कि ए बी सी या डी में से राइट आंसर क्या बनेगा। वैसे ही जनरेटर प्रोड्यूस द करंट, जनरेटर किसको प्रोड्यूस करता है, करंट को प्रोड्यूस करता है। बॉर्डर, कंट्री की बाहरी सीमाओं को क्या कर दिया जाता है, बॉर्डर कहा जाता है, मार्क कर देते हैं तो बॉर्डर हो जाता है आपका, होता है या नहीं होता। आपको फोटो फ्रेम में देखते हो ना, पिक्चर को लगा देते हो उसके चारों ओर क्या होता है आपका, फ्रेम होता। पिक्चर है उसको चारों तरफ से बंद कर देंगे तो कितना क्या आ जाएगा, फ्रेम, फ्रेम आ जाता है। जैसे कंट्री के चारों तरफ क्या हो जाता है, बॉर्डर, तो पिक्चर के चारों तरफ क्या लगता है, फ्रेम। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन, स्टेशनरी एंड मोबाइल। बताओ ये क्या है, क्वेश्चन गलत लग रहा है बेटा मुझे तो, ये बेटा मुझे क्वेश्चन गलत लग रहा है। स्टेशनरी एंड मोबाइल जी कैसे रिलेट कर देगा। हाँ मैम को हैंगओवर आ रहा है, 2 मिनट में तेरे कनपटी पे मार दूंगी ना सारे हैंगओवर तेरे, उतार दूंगी 2 मिनट में बेटा मैं। तुम अपनी टीचर को ये मत सोचो कि वो बख्शने वाली है तुम लोगों को, समझ में आई। मैडम को हैंगओवर हो जाए, मैम को हैंगओवर। बेटा मुझे ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, स्टेशनरी में आपको मिलती है पढ़ी, देखो ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, स्टेशनरी में आपको मिलता है पढ़ी लिखी की चीजें, मोबाइल होता है आपका अलग, तो बोथ आर अपोजिट, मोबाइल आप लोगों को भटकाता है, स्टेशनरी में आपको पढ़ा लिखी चीजें मिलती है, तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्वेक का मतलब क्या होता है, मूर्ख, जो ढीला ढाला हो, सुस्त हो इंसान, क्वेक का मतलब बत्तख का शब्द भी होता है। तो क्वेक के उस पर क्या बनेगा आपका, एक्सपर्ट। क्वेक के जस्ट अपोजिट क्या बनेगा आपका, एक्सपर्ट। तो राइट आंसर एक्सपर्ट, क्वेक मतलब इज अनाड़ी, अनाड़ी के आपके अपोजिट क्या बनेगा, क्वेक बनेगा। तो शायद हो सकता है आपका डी ऑप्शन, इनएक्सपर्ट, इनएक्सपर्ट आपका रिलेट करता है एक्सपर्ट से। क्वेक का मतलब क्या होता है आपका, इनएक्सपर्ट भी होता है। देखो स्टेशनरी में आपको पढ़ाई लिखाई की चीजें मिलती है, हाँ बेटा पी रही हूँ पानी, पी रही हूँ मूर्खो, पानी अटक जाता है ना जब गले में, जब तुम लोगों को पता नहीं चलता ना कि कैसे अटकता है वो, पानी अटक गया था बेटा गले में, बोलते बोलते पानी पी रही थी तो अटक गया। इंक्यूबेटर इज रिलेटेड टू इन्फेंट, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
इन्फेंट इज प्रोवाइडेड द डिजायर कंडीशन एंड एनवायरमेंट इन द फर्स्ट, तो वैसे ही आपका बनेगा प्लांट रिलेटेड टू ग्रीन हाउस. सो राइट आंसर इज अ सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. लक्ष्य और गुरुदेव, बेटा क्या चाह रहे हो आज, पिटाई चाह रहे हो? हाँ, डिफेंस वालों को ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती आपको पिलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, एक तो तुम वो ब्रॉड माइंडेड बनो पहले तो, इस चीज ये चीज गलत नहीं होती है. ठीक है, क्वेश्चन जब तुम्हारे SSB में पूछे जाते हैं ना, तुम पहले पहुंच तो जाओ, सिलेक्शन तो ले लो. तुम लोगों को ना मतलब क्या है, तुम्हें आर्मी, मुझे जो लगता है ना पर्सनली, अभी जो तुम लोगों की थिंकिंग देख के, तुम्हें आर्मी इसलिए ज्वाइन करनी है क्योंकि वहां पे पीने को मिलती है. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोगों की बातें सुन के, है? तुम लोगों को मुर्गा बनना है क्या? हाँ पूछो स्माइलिंग, ये क्या लोग पीने के लिए जा रहे हैं क्या? तो मैकल नहीं है क्या? ड्रॉव इज अ ग्रुप ऑफ कैटल. ड्रॉव किसे कहा जाता है? कैटल के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ड्रॉव कहा जाता है. क्या कहा जाता है बेटा? ड्रॉव कहा जाता है. झुंड, समूह, किसके ग्रुप को? कैटल के ग्रुप को. ब्रूड किसे कहा जाता है? चिकन के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ब्रूड कहा जाता है. तो राइट आंसर इज अ सी ऑप्शन. तो राइट आंसर इज अ सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. बताओ तुम लोगों को में से किसी एक आधे को नहीं चटकना ना मेरे हाथों से, तो एक सजेशन दूं, चुपचाप से पढ़ लो, नहीं तो तुम चटक जाओगे. एक आधा गलती से चटक गया ना, कसम से कह रही हूं बहुत कुटोगे, बहुत अलग से कुटोगे. इसलिए कह रही हूं पढ़ लो, फालतू के दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. महसूस मत करो फालतू का ज्यादा दिमाग. यदि चटकने की इच्छा नहीं है ना बेटा, तो भैया आराम से पढ़ लो, नहीं तो हमें पढ़ाना भी आता है और अच्छे से चटकाना भी आता है फिर तुम लोगों को. फिर ये मत कहना मैडम ये क्या कर दिया आपने, अटैक कर दिया हम लोगों के ऊपर. कार रिलेटेड टू रोड. देखिए जैसे कार जो है, कार जो है आपकी रोड पे चलती है. शिप कहाँ पे चलता है? आपका सी में चलता है. रॉकेट आपका स्पेस में उड़ाया जाता है. एरोप्लेन स्काई में उड़ता है ना कि पायलट में. तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है. ब्यूटिशियन इज रिलेटेड टू पार्लर. जैसे ब्यूटिशियन जो है वो आपके पार्लर में काम करती है. लॉयर कोर्ट में काम करता है. इंजीनियर आपका साइट में काम करता है. लेकिन केमिस्ट का काम बेटा मेडिसिन बनाने का होता है. केमिस्ट शॉप अलग होती है. केमिस्ट मेडिसिन के में काम करता है ऐसा तो नहीं है. वो केमिस्ट शॉप में काम करेगा या लेबोरेटरी में काम करेगा? तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो बनेगा आपका बी ऑप्शन. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सा इज रिलेटेड टू वुड. जैसे कुल्हाड़ी से क्या काटते हैं? वुड को काटते हैं हम. कुल्हाड़ी से क्या काटते हैं? वुड को काटते हैं. पेन किसके लिए काम आता है? पेपर के लिए. चौक से क्या करते हैं? ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं. लेकिन ऑथर एंड बुक जो है वो आपका इन सबसे बिल्कुल अलग रिलेट करता है. तो राइट आंसर इज अ सी ऑप्शन. फर्स्ट क्या है आपका? टूल है जिसपे हम क्या करते हैं? वर्क करते हैं ओवर द सेकेंड. सो राइट आंसर इज अ सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. ऑथर इज नॉट अ टूल. ठीक है. ए मुंह पे मारूंगी. डॉक्टर होता है तेरा वहां पे क्लिनिक पे. वॉटर इज रिलेटेड टू थर्स्ट. एंड बताइए
वाटर आपका थर्स्ट से रिलेट करता है। जब आप प्यास लगती है तो आपको वाटर की जरूरत पड़ती है, जब आपको भूख लगती है तो फूड की जरूरत पड़ती है, जब आपका दम घुटता है तो आपको एयर की जरूरत पड़ती है। तो वैसे ही यदि आपके पास एजुकेशन, जब आपको एजुकेशन की कमी होती है तो आप या तो स्कूल में जाते हो या आप स्टडी करते हो। टैलेंट, टैलेंट एंड एजुकेशन आपका रिलेट नहीं कर रहा बाकी की जैसे, तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एप्पल इज रिलेटेड टू जैम, बताइए। जैसे एप्पल को, जैसे आपका एप्पल को क्या कर दो, वो कर दो, क्या कहते हैं उसे, प्रिजर्व कर दो, तो वो क्या बन जाता है, जैम। वैसे ही लेमन इज रिलेटेड टू सिट्रस, ठीक है। लेमन जो है वो आपका क्या है, सिट्रस फ्रूट है। टोमेटो आपकी क्या है, प्यूरी है, प्यूरी किसे कहते हैं, ग्रेवी को। ऑरेंज इज अ स्क्वैश, ऑरेंज का क्या निकाल दो, स्क्वैश निकाल दो, तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों, राइट आंसर इज द बी ऑप्शन, लेमन इज रिलेटेड टू सिट्रस फ्रूट। सिट्रस अलग होता है, सिट्रस इसकी कैटेगरी होती है लेमन की, जैसे ऑरेंज इज अ सिट्रस फ्रूट, सो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउ इज रिलेटेड टू पोडा, क्रो इज रिलेटेड टू कैरियन, पोल्ट्री इज रिलेटेड टू फार्म, एंड वल्चर इज रिलेटेड टू प्रे, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। देखिए काउ क्या खाती है, चारा खाती है, अयो मुर्गन्ना, काउ क्या खाती है, चारा खाती है, एक मिनट रुक जाना, तो वैसे ही आपका जो कैरियन होता है, कैरियन क्या होता है, सड़ा गड़ा, सड़ा गला खाना, उसे कौन खाता है, कौआ खाता है। प्रे क्या होता है, वल्चर जो खाता है वो क्या खाता है, प्रे। पोल्ट्री एंड फार्म जो है बेटा अलग है, सेकंड क्या है आपका, फूड है, किसका, फर्स्ट वन का, तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। फिश इज रिलेटेड टू फिशी कल्चर, यो मुर्गन्ना, अरे बेटा कृष्ण कुमार 150 क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी काफी हद तक तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे, कोई नहीं 150 नहीं हो पाएंगे, कुछ तो होंगे, ठीक है, कुछ तो क्वेश्चन होंगे। बेटा मैं भी थक जाती हूँ ना, सुबह से लेकर रात तक क्लासेस चलती रहती चलती रहती है, मैं भी थक जाती हूँ, क्या करूँ। देखो फिश की उसको क्या कहते हैं, फिशिकल्चर, पालने की चीजों को। बीस की क्या कहते हैं, एपिकल्चर। सिल्क वॉर्म की क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। बर्ड्स के पालने को कभी भी हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं, सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो बनेगा आपका बी ऑप्शन। ब्रॉड रिलेटेड टू वाइड, लाइट रिलेटेड टू हैवी, टिनी रिलेटेड टू स्मॉल, बिग रिलेटेड टू लार्ज। ब्रॉड वाइड लाइट हैवी बिग लार्ज, ये क्या है, एक दूसरे के क्या है बेटा, क्या बात हो गई, बताओ। ब्रॉड और वाइड का मतलब क्या होता है आपका, वाइड सिनोनियम है, टिनी और स्मॉल सिनोनियम, बिग और लार्ज सिनोनियम, लाइट एंड हैवी बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विक्स, नेस्ट किससे बनता है आपका, घोंसला किससे बनाया जाता है, ट्विक से बनाया जाता है। फर्नीचर किससे बनता है, वुड से। ऑर्नामेंट्स किससे बनते हैं, गोल्ड से। तो बेटा जो पोल्ट्री है वो आपका पिक्चर से कोई ना बनती है, क्ले से बनती, किससे बनती है बेटा, क्ले से बनती है, तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। कोई नहीं उपासना, हमें क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्वेश्चन पे आंसर देना है, ठीक है। देखिए यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, डोनाल्ड, डोनाल्ड किसके लिए होता है, कॉमेडी के लिए। होम्स किसके लिए होता है, सस्पेंस के लिए। रॉबिन्सन क्या होता है आपका, एडवेंचर के लिए। लेकिन प्रेमचंद जो होता है बेटा वो नोवेल के लिए नहीं होता, नोवेल की मूवीज के लिए नहीं है, तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बच्चों मैं तुम्हें एक शुद्ध हिंदी में बात बताऊं, बुरी लगेगी,
लेकिन एक बात बताऊं, सीधी सी बात है, एक चीज सिर्फ इतनी सी बात सुन लेना, मेरे पास ना तुम लोगों को ब्लॉक करने की टेक्निक है, मैं आप लोगों को ब्लॉक कर सकती हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि यदि आज लाइक ज्यादा होंगे तो जब भी मैं पढ़ाऊंगी, तुम तो लाइक भी नहीं करते हो सेशन को, आज 60 क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगी, बस 60 क्वेश्चन। मैं पतली हो गई यहाँ, चल तू तो भूल गई है, अविराल भारद्वाज, अविराल भारद्वाज इसको मैंने पढ़ाया हुआ है नालायक लड़के को। ये बेटा कमेंट तो पूछ मत, ये तो फिर भी बहुत कम कमेंट है। आज प्लान था 150 क्वेश्चन कराने का, लेकिन तुम लोगों ने अनीति मचा दी बच्चों, फिर भी 60 क्वेश्चन हो गए, कम काफी थे 60 क्वेश्चन। कल की क्लास में कितने क्वेश्चन होंगे? 80। कल की क्लास में 80 करेंगे, वेन डायग्राम और जो बचे हुए हैं ना आपके क्लासिफिकेशन के उनके। हाँ बेटा, यहाँ पे लेकिन हम किरदारों के बारे में बात होती है, जैसे डोनाल्ड आपकी कॉमेडी मूवी से रिलेट करता है, होम्स आपका सस्पेंस चीजों से रिलेट करता है, रॉबिन्सन आपका एडवेंचर चीजों से रिलेट करता है। कोई नहीं यार, चल ऐसे हार कोई ना मानते, तुम में से हार मानने वालों में से नहीं हो तुम सारे बच्चे। यदि मेरिट आउट कर दिया तो अबकी बार अपने पेपर में, अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आओ। बेटा देखो, मेरा तो मन नहीं करता है ऐसे ना, आप लोग यदि ढंग से नहीं पढ़ते हो, और बेटा यदि मेरिट लिस्ट आउट हो गए हो तो ये तो शुक्र मनाओ, कोई तो मेरिट रिकमेंड ही नहीं हो पाता, आप रिकमेंड तो हुए, ये तो बहुत बड़ी बात है। लोग तो हमसे झूठ बोल देते, मैडम हम रिकमेंड हो गए, रिकमेंड हुए नहीं। कैलेंडर पढ़ा दो, पूजा बारदा तेरी सुई कैलेंडर पे उतरी हुई है, कैलेंडर आएगा नहीं एग्जाम में। तेरे को ब्लॉक ना करूं, पहले जा ना के आ जा बेटा। ये मत, मैं अच्छा तो पढ़ाती हूँ लेकिन पूरी एनर्जी ना बर्बाद सी हो जाती है, रात में तुम्हारी क्लास होती है 8 बजे, मैं थक जाती हूँ इस टाइम तक, इस टाइम तो मेरी आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है मिलने के लिए। अच्छी बात है, आज डेली रिवाइज किया कर, आज का 10 दिन की क्लास हो ले ले, 10 दिन तेरे को पता है मैराथन चलेगी, और जो क्वेश्चन है वो स्पीड में कराऊंगी मैं। श्रुतिका, कृतिका, श्रुतिका तुम्हारी बहन नहीं आती, कृतिका वो क्या कर रही है, और बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? आज राज तुम्हारे ही बारे में बात हो रही थी भाग्यश्री से, मेरी आज भाग्यश्री से फोन पे बात हुई तो भाग्यश्री से मैंने पूछा। अरे बतेरे लोग झूठ बोल देते कि मैडम हम रिकमेंड हो गए हैं, कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं, बेइज्जती सी करा देते हैं हमारी। आपके बाद चले जाओगे, गुड गुरुदेव। चलो बच्चों, आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हो, कल के सेशन में रात को 8 बजे मुलाकात करेंगे, और रात को 8 बजे जो आपका सेशन होगा वो आपका इन्हीं मिक्स क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। कल 80 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, टारगेट रहेगा 80 क्वेश्चन का, होप सो कल 80 क्वेश्चन जो हो जाए वो कंप्लीट हो जाए। तो गाइस आपको क्या करना है, अपना ध्यान रखना है, ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने ऐसे ही ध्यान रखते रहिए। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि 46% का ऑफ चल रहा है, क्योंकि आज 46 डे इंडियन कोस्ट गार्ड डे है, तो 46% ऑफ दे रहा है आपको एग्जाम फॉर जितने भी डिफेंस कोर्सेज है उनके लिए। यूज करें कूपन कोड को ICG46, यू विल गेट 46% डिस्काउंट। तो गाइज अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।